हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए हमारी खास वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आप अपने दांतों को सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में किस तरह से चमका सकते हो। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि अपनी बॉडीनेस और चेहरे की खूबसूरती के चक्कर में हमारा एक और हिस्सा जो खूबसूरती लगने में एक खास रस्म निभाता है, वो है हमारे दांत। हमारे दांत बहुत लोग उनको नजरअंदाज कर देते हैं और यह वक्त के साथ पीले पड़ जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके दांत पीले हैं तो आप किसी के सामने खुलकर हंस भी नहीं सकते। वैसे तो फ्रेंड्स, मार्केट में बहुत सारे टीथ व्हाइटनिंग टूथपेस्ट या फिर उससे मिलते जुलते तमाम टूथ व्हाइटनर प्रोडक्ट्स मिलते हैं, लेकिन वे कहीं ना कहीं आपके दांतों को सफेद करने के साथ साथ थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट्स भी करते हैं। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसा नुस्खा बताने जा रही हूँ जिसके इस्तेमाल से आप अपने दांतों को सफेद भी कर सकते हो और उसके साइड इफेक्ट्स बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को दबाना भूलिएगा आप, जिससे कि कोई खास वीडियो आप मेरी मिस ना कर पाए। फ्रेंड्स, सबसे पहले इनो की जरूरत होगी मुझे इसको बनाने के लिए। फ्रेंड्स, इनो जो है वो लेमन, बेकिंग सोडा और नमक, इन तीनों की जगह इनो काम करता है। इनो में एंटासिड है जिसके 3 सक्रिय तत्व होते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, साइट्रिक एसिड और निर्जल सोडियम कार्बोनेट, जो हमारे दांतों को पीलापन हटाकर एकदम से व्हाइट कर देता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इसको इसमें इनो निकाल लीजिए जितना कि आप अपने दांतों में यूज कर सकें, इतना आप इनो निकाल लीजिए इसमें से। कि मैंने इतना इनो निकाल लिया है। अब दूसरी चीज जो मुझे इसमें ऐड करनी है वो करनी है टूथपेस्ट, जो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। आप कोई भी यूज कर सकते हो, जो आप रेगुलरली यूज करते हो आप वही टूथपेस्ट आपको इसमें यूज करना है। आप इसमें इतना ले लीजिए जितना कि आप रेगुलरली यूज करते हो, इतना ले लीजिए आप इसमें। उसके बाद अगली चीज जो मुझे इसमें डालनी है मुझे इसमें लेमन का रस। डालने के बाद आप इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आधी चम्मच आप इसके अंदर दही ऐड कर लीजिए। दही ऐड करने के बाद अब आप इसको अच्छे से मिला लीजिए। इसके अंदर आपको बेकिंग सोडा और नमक डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसके अंदर इनो का जो है वो इस्तेमाल कर लिया है। इनो जो है वो बेकिंग सोडा और नमक की तरह ही काम करता है। तो फ्रेंड्स, ये नुस्खा हमारा तैयार है। अब आपको इसे यूज कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। आप एक ब्रश ले लीजिए जो आप रेगुलर यूज करते हो, उसमें आप इसको इस तरह से आप लेकर अच्छे से आप अपने दांतों में ब्रश कर लीजिए। सिर्फ और सिर्फ आपको ऐसा 2 मिनट तक करना है, 2 मिनट से ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि हमने इसके अंदर इनो का इस्तेमाल किया है, जो अगर आप ज्यादा अपने दांतों पर इसका इस्तेमाल करोगे तो साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो सिर्फ 2 मिनट तक करना है, 2 मिनट से ज्यादा नहीं करना है। क्या कम कर लीजिए पर ज्यादा बिल्कुल मत कीजिएगा। आपको इसका यूज डेली नहीं करना है, वीक में 3 से 4 बार ही इसका इस्तेमाल करना है। ऐसा करने से आपके दांत बहुत ज्यादा व्हाइट हो जाएंगे। फ्रेंड्स, ऐसा करने से कुछ लोगों के मुंह में से जो बदबू आती है वो भी खत्म हो जाएगी 3 से 4 बार ही इसको यूज करने पर। तो फ्रेंड्स, आप इसको जरूर ट्राई कीजिए एक बार, और जैसा हमने बताया है आप इसको वैसे ही ट्राई कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की रेमेडी, आई होप आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज आप इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और इस बेल आइकन को दबाना भूलिएगा आप, जिससे कि कोई खास वीडियो आप मेरी मिस ना कर पाए। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपसे मिलूंगी अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।